आंगनबाड़ी में जो चावल दिया जा रहा है वह आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिया जाता है या फिर कोटेदार देगा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसमें कहा जाए तो दोनों जुम्मन है, जी दोनों को फिक्स किया गया है कि भाई आप यहाँ जब 3 महीने का चावल आ जाएगा, अलाटमेंट 3 महीने का आता है, तो आंगनबाड़ी अपने लाभार्थी को अवगत कराते हुए पुटदार के यहाँ बंटवाना है। अगर पुटदार इस तरह के दे रहे हैं तो उनको इस तरह के मामले में हम लोग बताएंगे कि भाई आप आंगनबाड़ी को ना दें ना, अगर इस तरह की गलतियाँ वो कर रहे हैं तो बताना पड़ेगा। जैसे आज एक खास मुलाकात जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री दिलीप कुमार पांडे जी के साथ। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आंगनबाड़ी केंद्रों की अगर मैं बात बताऊं तो 4127 इस समय पूरे गाजीपुर में संचालित है। सर से मैं जानूंगा, इसके साथ ही आंगनबाड़ी में इस समय सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं लाई है जिससे लोग लाभान्वित होते हैं? अगर दिलीप सर मैं आपसे पूछूं तो इस समय सरकार कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो कि बच्चों के लिए आई है? पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि हमारे जो SCDS में बाल विकास में जो लाभार्थी समूह है वो 0 से 6 वर्ष के 2 ग्रुप और एक गर्भवती और धात्री हैं, तो किशोरी भी हमारी, लेकिन उनको हम लोग अभी कोई खाद्यान्न नहीं अभी दे रहे हैं, लेकिन वो हमारी पात्रता की श्रेणी में भी आती हैं, बच्चियाँ भी आती हैं जो नॉन गोइंग स्कूल है, तो उनको अन्य सेवाओं से हम लोग जोड़े रहते हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवा से, जागरूक कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं। जहाँ तक हमारे यहाँ ड्राई राशन आता है नेफेड से, तो उनके लिए जो नेफेड से जो हमारी आपूर्ति हो रही है ब्लॉक स्तर और ब्लॉक स्तर से गाँव स्तर SHG के माध्यम से, स्व सहायता समूहों के माध्यम से, उसमें 0 से 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों का ढाई राशन जो है वो 3 चीज़ें मिलता है। एक किलो दलिया मिलता है, डेढ़ केजी माताओं को, बच्चों को 1 केजी और आधा के जी रिफाइंड तेल मिलता है। और जो 3 से 6 वर्ष का दूसरा ग्रुप है बच्चों का, वो जो हमारे प्री स्कूल के बच्चे हैं उनको आधा के जी दाल और आधा के जी दलिया मिलता है। और गर्भवती धात्री आपको बताएं जी, गर्भवती धात्री हमारी एक लाभार्थी माताएं हैं जिनको हम लोग आधा किलो तेल, 1.5 केजी दलिया और 1 किलो दाल दिया जाता है। जिला कार्यक्रम अधिकारी के रूप में जब दिलीप सर ने पदभार ग्रहण किया, लगातार गाजीपुर जिले ने सफलता के कदम चूमे हैं, तो दिलीप सर जो बंटता नहीं है, अगर जो सरकार आप लोग यहाँ से गांव के लिए आता है कि बच्चों को मिले, अगर वो वहाँ रख दिया जाए बच्चों तक वो पहुँच ही ना पाए, और ऐसा कुछ सुनने में अगर आए कि ऑनलाइन चढ़ भी गया है आपके पास, अगर आपने सिस्टम खोला तो ये मालूम हुआ कि इस गांव के फला के इतने अगर बच्चे हैं तो वो ऑनलाइन फीड हो गया है, लेकिन अगर हम उस गांव में जाएं, अगर कुछ ऐसा अगर जमीनी हकीकत को जानना चाहें तो वहां पे रखा है अगर, तो आप उनको कठोर चेतावनी दें? पहले तो ये आपको बता दें कि अगर ये संज्ञान में अगर आपके स्तर से या किसी जन सामान्य के स्तर से अगर आता है तो उस पर तो पहले तो जांच होगी कि भाई ये आपने खाद्यान्न किस स्तर पर रखा है, क्यों रखा है, और अगर वास्तव में उनकी लापरवाही है तो कार्रवाई एक चीज है, जांच के बाद ही कार्रवाई होगी, उनकी पूरी विस्तृत जांच होगी कि भाई आपने ये खाद्यान्न जो मिला आपको तो आपने जनसामान्य में बांटा क्यों नहीं। दूसरा, आप बता रहे हैं कि वितरण के बाद वो चढ़ा देती हैं, तो अगर चढ़ा दी हैं तो उनको बताना पड़ेगा उनको कि आपने जिस व्यक्ति को चढ़ाया है उसको दिया क्यों, ये भी एक जाँच का विषय रहेगा। जैसे कि 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को देना है, मैंने 10 बच्चों को दिया नहीं और मैंने ऑनलाइन जहाँ से हमारी अगर सेटिंग है उस अधिकारी ने ऑनलाइन चढ़ा दिया, आपके पास भी आया, सिस्टम बता रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत अगर हम देखें धरातल पे तो उन बच्चों को मिला नहीं, उनके माता पिता को मिला नहीं, उनको हम क्या कहेंगे जो आंगनबाड़ी के हैं या और भी आला अधिकारी थे? पहले चीज आपको बता दें कि ये टोटली जो पोषाहार का जो जो उसकी प्राप्ति से लेकर चढ़ाने का कार्य है वो उनके एक भारत सरकार के पोर्टल से जी जो पोषण ट्रैकर ऐप है उसी पर चढ़ाना है, तो टोटली वर्क उन्हीं का है। अब ये मॉनिटरिंग का विषय है कि वहाँ वितरण हुआ कि नहीं हुआ, ये मॉनिटरिंग का विषय है, तो अगर आपके माध्यम से या किसी अन्य के माध्यम से पता चला कि वो चढ़ गया तो उसकी जांच विस्तृत हो। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आंगनबाड़ी में जो चावल दिया जा रहा है वह आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिया जाता है या फिर कोटेदार देगा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
इसमें कहा जाए तो दोनों जिम्मेवार हैं जी, दोनों को फिक्स किया गया है कि भाई आप यहाँ जब 3 महीने का चावल आ जाएगा, अलाटमेंट 3 महीने का आता है, तो आंगनबाड़ी अपने लाभार्थी को अवगत कराते हुए पुटदार के यहाँ बंटवाना है। अगर पुटदार इस तरह के दे रहे हैं तो उनको इस तरह के मामले में हम लोग बताएंगे कि भाई आप आंगनबाड़ी को ना दें ना, अगर इस तरह की गलतियां वो कर रहे हैं तो बताना पड़ेगा। जैसे सर मैंने देखा है मेरा जो गाँव है या कोई और गाँव है, आंगनबाड़ी उस चावल को देती है, 200 रुपये भी लगते हैं, क्योंकि आप जैसे अगर ईमानदार अधिकारी धरातल पे दिन रात काम करते हैं निस्वार्थ भाव से, अगर ऐसा अगर सुनने में आए देखा जाए तो दुख भी होता है यार, ऐसे थोड़े होगा। नहीं उस पर कार्रवाई होगी, उस पर आप संज्ञानित कराएं तो उस पर कार्रवाई होगी। ये है आंगनबाड़ी, बच्चों को लाना, बच्चों को बैठाना, जो भी ज्ञान है वो हम देते हैं, फिर बच्चे आगे बढ़ते हैं। समय क्या है अगर आंगनबाड़ी में जो हमारे छोटे छोटे नौनिहाल पढ़ने के लिए जाते हैं? समय देखिए वो इस समय तो वर्तमान में अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक ये स्कूल आवर रहेगा 4 घंटे का। जैसे हमारा स्कूल अगर 7 बजे खुलेगा सुबह, हाँ तो 7 बजे उनको भी खोलना है जी। हमारा केंद्र खोलने का समय 8 बजे है जी, गर्मी के दिनों जी, और 8 से लेकर 12 बजे तक, क्योंकि विद्यालय ग्रीष्मकालीन में 7 बजे खुलने लगे हैं जी। तो हम लोग भी प्रयास करते हैं कि वो 7 बजे आ जाए, 11 बजे तक रहे, केंद्र का संचालन करे, क्योंकि हमारा दायित्व है प्री स्कूल, बच्चे को प्री स्कूल शिक्षा देना, स्कूली शिक्षा नहीं देना है। प्री स्कूल प्रिपरेशन का दौर होता है, प्रिपरेशन कि बच्चे को हम स्कूल भेजने के लिए उत्सुक रहे कि बच्चा स्कूल से उसको जो भयभीत होता है वो भय ना रहे। तो विद्यालय से भी सरकार की मंशा है कि विद्यालय से आंगनबाड़ी केंद्र को जोड़ा जाए कि बच्चों को भयमुक्त रहे विद्यालय से, और वो नियमित रूप से आंगनबाड़ी के माध्यम से फिर विद्यालय में आ जाए। तो ये सब चीज़ें है उसमें। अब ये कितना मोटिवेशन आंगनबाड़ी अपने जी, जो हमारे 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं प्री स्कूल, प्री स्कूल उसको तो उन्हीं को लाना है और उसका नामांकन भी कराना है। जो 6 साल के पूरे हो गए हैं जी, उसको स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत जोड़ना भी है। मुलाकात जिला कार्यक्रम अधिकारी दिलीप कुमार पांडे जी के साथ, इतना समय देने के लिए हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।